इतिहास हमेशा से ही दिलचस्प रहा है, इसे और दिलचस्प बनाता है। अतीत में हुए कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं जिसका पता आज तक नहीं चल पाया है। इस वीडियो में आप इतिहास के साथ ऐसे रहस्यों को जानेंगे जिसे आज तक सुलझाया नहीं गया है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर वन, आज के समय हिस्टोरियंस बीते इतिहास में लोग कैसे रहते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, उनकी हाइट कितनी होती थी, ये सब जानने के लिए हमेशा खोज करते रहते हैं। कई खोजकर्ताओं को तो खुदाई के दौरान इंसानों के विशाल कंकाल मिले हैं जो आश्चर्यचकित करते हैं। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे यह जानकर, 2003 में अटाकामा के रेगिस्तान में इंसान का एक कंकाल मिला जिसका हाइट महज 6 इंच का था। वैज्ञानिकों के रिसर्च से यह पता चला कि यह कंकाल किसी महिला की है जिसकी मौत 1970 के करीब हुआ होगा। अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह कंकाल किसी नवजात बच्ची की होगी तो आप गलत हैं, क्योंकि इस कंकाल के मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी जो किसी नवजात बच्चे का होना संभव नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान के शरीर में 12 पसलियों का सेट होता है, लेकिन इस कंकाल में सिर्फ 10 पसलियों का सेट था। बताया गया कि इसकी मौत 6 या 8 वर्ष के उम्र में बौनेपन की वजह से हो गई, लेकिन वैज्ञानिकों को यह नहीं पता चल सका कि किस बीमारी के वजह से इसका हाइट इतना छोटा हो गया। नंबर टू, आज हम में से बहुत से लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग पुनर्जन्म जैसी बातों को नहीं मानते। अगर विज्ञान की माने तो पुनर्जन्म जैसी बातें झूठ है। लेकिन कुछ दशक पहले एक पुनर्जन्म की घटना सामने आई जो सबको हैरान कर दिया। 1957 में एक कार एक्सीडेंट में जोना और जैकलिन नाम की दो बहनों की मौत हो गई थी। उनकी मौत के 1 साल बाद उनकी मां ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया जिनका नाम गिलियन और जेनिफर रखा गया। बताया जाता है जन्म के समय से ही गिलियन और जेनिफर के शरीर में ऐसे दाग थे जो जोना और जैकलिन के शरीर में भी थे। जोना और जैकलिन में जो आदतें थी वही आदतें गिलियन और जेनिफर में भी थी। जब गिलियन और जेनिफर थोड़ी बड़ी हुई तो गिलियन ने जोना के खिलौनों को अपना बताकर खिलौनों को अपने पास रख लिया, वैसे ही जेनिफर ने भी जैकलिन के खिलौनों को अपने पास रख लिया। दोनों बहनों को बचपन से ही कार से डर लगना, खाने में भी वही पसंद जो जोना और जैकलिन को पसंद था, जोना और जैकलिन जैसे बातें करना, उनके जैसे रहना, पुरानी जगहों को बिना बताए पहचान लेना, ऐसे बहुत से इत्तेफाक थे जो उनकी मर चुकी बहनों से मिलती थी। नंबर थ्री, प्राचीन समय में बादशाह या सुल्तान के मौत के बाद उन्हें दफनाने के लिए मकबरे बनाए जाते थे ताकि भविष्य में लोग मकबरे को देखकर उन्हें याद करें। आज दुनिया भर में इतिहास के कई मकबरे मौजूद हैं, लेकिन चंगेज खान ऐसा नहीं चाहता था कि मरने के बाद उसका मकबरा या कब्र बनाया जाए। वह नहीं चाहता था कि मरने के बाद लोग उसे याद रखें। इतना ही नहीं, चंगेज खान यह भी नहीं चाहता था कि मरने के बाद जहां उसे दफन किया जाए उस जगह के बारे में किसी को पता चले। आज लगभग 800 साल बीत चुका है, चंगेज खान को कहां दफन किया गया वह आज तक कोई जान नहीं सका है। अगर आप चंगेज खान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मैंने चंगेज खान के ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मरने से पहले चंगेज खान ने अपने लोगों को यह हुक्म दिया था कि मौत के बाद उसे ऐसी गुमनाम जगह दफन करें जिसके बारे में कभी किसी को पता ना चल सके। 8 सदियां बीतने के बाद भी आज चंगेज खान के कब्र को ढूंढा नहीं जा सका है। ऐसा नहीं है कि उसे कहां दफन किया गया उस जगह को ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। पिछले कई वर्षों में हिस्टोरियंस ने चंगेज खान के कब्र को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। नंबर फोर, साल 1900 से पहले यही माना जाता था कि सभी इंसानों का ब्लड एक जैसा ही होता है, लेकिन 1900 में ऑस्ट्रेलिया के कार्ल लैंडस्टेनर नाम के एक वैज्ञानिक ने अपने रिसर्च से यह पता लगाया कि इंसानों का ब्लड एक जैसा नहीं होता है। कार्ल द्वारा पहली बार इंसानों का ब्लड ग्रुप खोजा गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक पता नहीं चल सका है कि सभी इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से शोध किए गए और अलग अलग कारण बताया गया, लेकिन पक्के तौर पे यह साफ पता नहीं चल पाया कि इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। नंबर फाइव, दुनिया के 7 अजूबों में शुमार सबसे खूबसूरत अजूबा ताजमहल। ताजमहल जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठा है।
ताजमहल का सबसे बड़ा रहस्य उसके नीचे का कमरा है जो मुगलों के समय से ही बंद है। कहा जाता है शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज अपने 14वें संतान गौहर आरा को जन्म देने के दौरान मर गई। उन्हें उसी कमरे में दफना दिया गया और कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल हिंदू मंदिर था, इसके नीचे भगवान शिव जी का मंदिर मौजूद है, जबकि कुछ लोगों के अनुसार इस कमरे में खजाना छुपा है। लेकिन यह सभी सिर्फ अनुमान ही है। असल में किसी को नहीं पता कि ताजमहल के नीचे कमरे में ऐसा क्या था जिसके कारण इसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। नंबर 6, 1915 से 1926 के बीच पूरे दुनिया में स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक बीमारी फैल गई थी। यह बीमारी इंसानों के दिमाग पर असर करती थी, जिसकी वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाते थे और ना तो बोल पाते थे और ना ही हिल पाते थे। यह बीमारी दुनिया भर में बहुत तेजी से फैली। करीबन 10 लाख लोग इस बीमारी का शिकार हो गए थे, जिनमें से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी, और जो लोग बच गए थे वे पहले की तरह कभी ठीक नहीं हो पाए। इस बीमारी के फैलने का क्या कारण था इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किए, लेकिन इस बीमारी के फैलने का कारण कभी पता नहीं चल पाया। नंबर 7, बारिश होना सबको पसंद है, लेकिन क्या हो अगर बारिश में पानी के बूंद के जगह आसमान से मांस के टुकड़े गिरे। 3 मार्च 1876 को अमेरिका के एक शहर में दोपहर 12 बजे के करीब अचानक मांस की बारिश होने लगी। आसमान से लाल रंग के मांस के टुकड़े गिरने लगे। शहर के लोग इस नज़ारे को देखकर हैरान हो गए कि आखिर आसमान से मांस के टुकड़े कैसे गिर रहे हैं। इस घटना को लेकर बहुत से तर्क दिए गए। माना गया कि गिद्धों के झुंड ने मांस खाने के बाद उड़ते समय यहाँ भी उनके टुकड़े गिराए होंगे, लेकिन इसका ठोस सबूत नहीं मिल पाया। कुछ लोगों का तो यह मानना था कि आसमान में छिपे शैतानों ने मांस की बारिश की है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि आसमान से गिरे यह मांस के टुकड़े जानवर का, पक्षी का, इंसान का या किस जीव का था इसका पता कभी चल नहीं पाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही हिस्ट्री से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।